प्रेजेंट सर। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इंडक्टिव के तीन टाइप देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला टाइप है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव दैट इंडिकेट्स व्हिच पर्सन और थिंग इज बीइंग रेफर्ड टू इज कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या मतलब है इसका? इंडिकेट्स विच पर्सन और थिंग, किसी पर्सन और थिंग को ये इंडिकेट करता है। एग्जांपल में है दिस डैट इज दो, इंडिकेट मींस इशारा करता है। यूज क्या करते हैं? दिस बुक इज न्यू, दैट पेन इज माइन, इशारा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है किसी चीज के बारे में। ओके, दिस बुक इज न्यू एंड दैट पेन इज माइन। ओके, तो यहाँ पे दिस डैट दिस These all are adjectives called demonstrative adjectives. Okay? एक important point है, हम लोग पढ़ चुके हैं demonstrative pronoun, अब हम लोग देख रहे हैं demonstrative adjective। दोनों में काफी similarity है, but एक छोटा सा difference है। क्या difference है? A demonstrative adjective will always be followed by a noun. Demonstrative adjective जो है उसके बाद क्या आएगा? हमेशा एक नाउन आएगा। ओके, वेयर जबकि अ डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ वर्ब। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आएगा? हमेशा एक वर्ब आएगा। एग्जांपल समझते हैं, दिस पेन इज न्यू, दिस इज अ न्यू पेन। अब दिस तो दोनों ही होता है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी होता है और डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। देन हाउ विल वी डिफरेंशिएट? कैसे हम लोग बताएंगे कि डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है? एग्जांपल है दिस पेन इज न्यू। अब यहाँ दिस के बाद क्या है? पेन क्या है? एक नाउन है। तो हम लोग क्या देखें कि अगर उसके बाद डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, अब यहाँ पे क्या आया है? एक नाउन आया है। सो ये दिस जो है क्या हो गया? डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस इज अ न्यू पेन। ये भी दिस क्या है? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब चेक करते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है तो उसके बाद क्या होता है? वर्ब होता है। यहाँ पे दिस के बाद क्या है? इज एक वर्ब है। तो क्या हो गया? ये दिस जो है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि इसके बाद वर्ब है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट टाइप इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव दैट इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है। इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कैसे? व्हाट टाइम इज इट, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या समय हो रहा है। हुज पेन इज दिस, यह पेन किसकी है। ओके, विच एक्टर डू यू लाइक द मोस्ट। यहाँ पे व्हाट हुज विच ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी तो यही होते हैं, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? देखते हैं डिफरेंस। यहाँ एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ नाउन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? अगेन नाउन। जब भी एडजेक्टिव होगा तो नाउन आएगा। ओके, वेयर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विल बी फॉलोड बाय अ वर्ब। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? नाउन और वर्ब चेक करेंगे, उसके बाद नाउन है या वर्ब है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, व्हाट टाइम, व्हाट के बाद टाइम क्या है? नाउन है, तो ये आ गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। हुज के बाद पेन है, पेन क्या है? नाउन है अगेन, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। विच एक्टर, अगेन एक्टर नाउन है, यहाँ पे हुज क्या हो गया? विच क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। सिमिलरली व्हाट इज योर नेम, अब यहाँ पे व्हाट के बाद क्या आया? वर्ब। ये व्हाट क्या हो गया?
प्रोनाउन हो गया एडजेक्टिव नहीं होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में बाद में क्या आता है? वर्ब आता है। ओके, यहां पे वर्ब आया है इसके लिए क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। व्हाट टाइम इज इट? अब यहां पे व्हाट है तो नहीं व्हाट, पर यहां पे ये व्हाट क्या है? एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके बाद टाइम आया है और टाइम क्या है? एक नाउन होता है। ओके, सो क्या देखें हम लोग, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा तो उसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। ओके, तो यहां पे वर्ब क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यहां पे वर्ब क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट टाइप इज पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है? एन एडजेक्टिव दैट शोज पजेशन, अधिकार बताता है, ऑनरशिप बताता है। ओके, इज कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार या ऑनरशिप बताता है। जैसे माय ब्रदर लिव्स इन पटना, मेरा भाई पटना में रहता है। तो यहां पे भाई किसका है? मेरा। यहां ऑनरशिप किसकी है? मेरी। गिव मी माय बुक, ये बुक किसका है? मेरा। ओके, हिज नेम इज रोहित, उसका नाम, इसका नाम, नाम किसका है? उसका। पोजीशन किसका हो रहा है? उसका। यहां पे पोजीशन किसका है? बुक का। यहां पे ब्रदर किसका? माय। तो ये माय, हिज, दिस ऑल आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये ऑनरशिप बताता है, पोजीशन बताता है कि ये किसका है। ओके, अब हम लोग पोजेसिव एडजेक्टिव देख रहे हैं, हम लोग प्रोनाउन में भी पोजेसिव प्रोनाउन देख चुके हैं, तो क्या डिफरेंस होता है आगे देखते हैं। दिस इज माय पेन। अब यहां पे माय जो है पोजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, पोजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? पोजेसिव एडजेक्टिव अगर होगा तो उसके बाद अगेन नाउन है। ओके, पोजेसिव प्रोनाउन होगा तो उसके बाद नाउन नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो वर्ब आएगा। ओके, तो ये डिफरेंस है। पोजेसिव एडजेक्टिव में हमेशा उसके बाद नाउन आएगा। यहां पे नाउन क्या है? पेन। दिस इज माय पेन, ये माय, तो क्या पोजेसिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसके बाद पेन आया है, पेन एक नाउन है। अब यहां पे माय जो है इसके बाद नाउन नहीं आया है, दैट्स व्हाई दिस माय इज पोजेसिव प्रोनाउन नॉट एडजेक्टिव। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एडजेक्टिव। ओके, आई होप यू ऑल गेट इट वेरी वेल। ओके, सो थैंक यू।